आज डे 5 है और आज हम लोग तुरतुक, हुंडर एंड नुब्रा, तीन जो विलेजेस हैं उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। हमारा जो रिजॉर्ट है वो काफ़ी अच्छा है एंड कैंप में हमारा स्टे था रात को, तो काफ़ी मज़ा आया। खाना भी काफ़ी अच्छा था, तो इसमें तो कोई कमी नहीं रही। एंड लोकेशन कुछ ऐसा है हुंडर का कि लाइक पीछे आपको पहाड़ दिख रहे होंगे मतलब, और काफ़ी अच्छी सराउंडिंग है। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि मौसम थोड़ा ख़राब भी होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, मौसम ठीक हो गया है, अब काफ़ी सुहाना है, तो ड्राइव के लिए काफ़ी परफेक्ट है। बट मुझे लगता है कि फिर हम लोग लेट करेंगे कल की तरह, क्योंकि कल हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 घंटे के करीब हम लोगों ने बर्बाद किया। मतलब अगर हम लोग 9 या 10 बजे निकल गए होते तो हुंडर को एक्सप्लोर कर चुके होते, बट वो हुआ नहीं, टाइम किल हो गया। आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चेकलिस्ट कह लो कि मंगोलियन कैमल, तो उस पर राइड करने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज का प्लान कुछ ऐसा था कि हम हुंडर से निकल के तुरतुक जाने वाले हैं एंड देन वापस आना है नुब्रा होते हुए हुंडर। सो द डे 5 जर्नी स्टार्ट्स एट 10:45। हम लोग निकल रहे हैं तुरतुक विलेज और वन गो में जाना है एंड देन वापस भी आना है, तो आज का प्लान ये है। और काफ़ी बहस हुई सुबह, तो हो सकता है रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, वी विल मेक श्योर कि जो राइड हो वो स्मूथ हो। पूरा रेगिस्तान, नुब्रा डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत कम पेड़ देखने को मिलते हैं।
हम लोग श्योक नदी के किनारे किनारे ही चल रहे थे। ये नदी हुंडर से साथ बहती हुई आ रही थी और एक तरह से कह लीजिए कि हम श्योक वैली में ही ट्रैवल कर रहे थे। टुरटुक विलेज में हमने लंच किया। अभी हमने खाया किस्से और सामिक। मैंने बाद में जाकर के हुंडर में पूछा तो उन्हें भी इन डिशों के बारे में नहीं पता था। एक्चुअली किसिर जो है वो एक तुर्किश डिश है और दही बेस्ड जो डिश है वो है समिक, जो कि है एक बाल्टी क्यूजीन। ऐसा लगा जैसे इडली या डोसे को दही के साथ खा रहा हूँ। Main ridge of this Turtuk village. Turtuk में हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो Turtuk में राजा का महल और म्यूजियम देखते या फिर Thang village देखते, जो कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट विलेज है। हमने Thang village जाने का फैसला किया। रोड तो अच्छे थे पर रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट था। कुछ दिनों पहले ही इधर लैंडस्लाइड से कुछ इंडियन आर्मी के जवानों की मरने की खबर आई थी। इवन Thang विलेज में जब हम इंटर किए तो चेक पोस्ट पर कुछ बुज़ुर्ग लोग थे जिनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि हम काफ़ी लेट से आ रहे हैं और इसका एक डाउनसाइड ये है कि अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हेल्प पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस एरिया में। पर अब हम करते क्या, इतनी दूर आकर के तो वापस जाने का सवाल ही नहीं होता। Thang विलेज में रास्ता सही में एक चैलेंज था। बॉर्डर व्यू पॉइंट से हमने उस पार Thang विलेज का दूसरा हिस्सा देखा, जो कि अब पाकिस्तान में है। यहाँ पर ज़्यादातर जो ब्रिजेज हैं वो एक समय में एक ही गाड़ी संभालने लायक हैं, पर हमारे पास तो टू व्हीलर्स थे। रास्ते में मौसम सुहाना हुआ तो रेनबो देखने को मिला, वो भी फुल सेमी सर्किल। ऐसा मैंने पहली बार देखा एक फुल रेनबो, और ऐसा एक डेजर्ट में ही देखा जा सकता है जहाँ दूर दूर तक नज़र जा सकती है। जो है एक बॉर्डर पॉइंट से होके आ रहे हैं, एंड कुछ तो ऐसा है कि दो गांव है, इंडिया का एक गांव है एंड पाकिस्तान का एक गांव है। तो उस पॉइंट पे एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसके लिए अलग से मतलब Turtuk से आगे जाना पड़ता है। तो हम लोग Turtuk में कुछ देखा नहीं, हमने ऑप्शन था कि एक म्यूज़ियम देख सकते थे, बट म्यूज़ियम के बारे में कुछ बताया नहीं कोऑर्डिनेटर ने, तो कुछ खास तो इंटरेस्ट बना नहीं। और कुछ लोकल घूमने का था तो वो भी शायद नहीं घूम पाए, क्योंकि हाँ मतलब जो ग्रुप था उसको बॉर्डर तक जाना था। तो ठीक ठाक पॉइंट था। नॉर्थ ईस्ट जो बॉर्डर है हमारा, जो कि इंडिया के कंट्रोल में, तो वो उस पॉइंट पे था, तो अच्छा रहा वो भी एक्सपीरियंस। और अभी हमने एक रेनबो देखा रास्ते में आते हुए, तो वो भी बड़ा कूल था।
अभी आगे हम जा रहे हैं सैंड ड्यून्स की तरफ, जहाँ पे कि हमें मंगोलियन कैमल जिसको कहते हैं उनको देखने को मिलेगा। काफ़ी लिमिटेड है इंडिया में, और शायद और सिर्फ लद्दाख में ही देखने को मिलता है। दो पीठ होते उनके, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर सही में एक्चुअली सामने कितना बड़ा होता है, कैसा दिखता है। मंगोलियन कैमल राइड का बड़ा मन था मेरा, पर हम धीरे धीरे लेट होते जा रहे थे। ज़्यादा तेज चला नहीं सकते थे क्योंकि पहाड़ी रास्ते थे। कमाल की बात यह है कि हमने रास्ते में दूसरा रेनबो भी देखा। अब कितने दिन ऐसे गुजरते हैं आपकी लाइफ में जब आपको दो रेनबो दिख जाएं। फाइनली हम हुंडर विलेज पहुंच ही गए और बिना रुके सीधे एडवेंचर पार्क में घुस गए जहां कैमल राइड्स हो रही थी। पूरे भारत में ये इकलौता जगह है जहां पे आपको डबल हम्प वाले कैमल दिखाई देते हैं। मंगोलियन कैमल जिसको कहते हैं, जो इंडिया में एक ही जगह मिलता है लेह लद्दाख में, हुंडर विलेज। तो अभी मैं उधर ही हूँ एंड इतना ज़्यादा क्राउड है, मतलब पता नहीं क्या संडे है या नेशनल हॉलीडे है या फिर पूरा कह लो कि जहाँ जो गर्म प्रदेश है उधर से सारे आ गए, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब जो हैं ट्रैवल कर रहे हैं। और हमें मौका मिला नहीं क्योंकि जो टिकट सेल्स हैं वो बंद हो चुकी है, तो आज का तो हो नहीं पाएगा। फ़ोटो खींच लिए, काफ़ी क्यूट सी फ़ोटो आई है एक बेबी बैक्टीरियन कैमल के साथ। हैं हमारे साथ मनोज जी हैं, तो उन्होंने हमारी स्नैप ली। आज का जो प्लान है वो यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है। अब कल पैनगोंग के लिए निकलेंगे तो अर्ली मॉर्निंग निकलना है। अभी हमारे साथ जो भाई लोग हैं उनके दिमाग में कुछ खुराफात ना आए तो जल्दी सो जाएंगे 9 बजे तक, नहीं तो वही गड़ियाँ लगेंगी 11:30 बजे तक और सुबह उठ नहीं पाएंगे। और जिस तरीके 7 बजे का उठने का प्लान है, बट आई एम डैम श्योर कि मतलब 7 बजे तो निकलेंगे नहीं, लिख के ले लो ये चीज़। तो ऐसा हो रहा है और रास्ते बड़े खूबसूरत है कसम से, ले के दिल जीत लिया। और आज का जो बॉर्डर था उसका भी रास्ता मतलब आफ्टर द चेकआउट बहुत ही अच्छा, और जो विलेज था उसके लोग इतने प्यारे, मतलब मैं सही में कह सकता हूँ कि मतलब जो हॉस्पिटलिटी है उस गांव के लोगों की, डैट इज़ टू मच, मतलब बहुत ही प्यारे लोग हैं। तो अगर आपको होम स्टे का मौका मिलता है तो आप होम स्टे ज़रूर करें। बाइक ट्रिप पे तो शायद मतलब अगर आप सोलो आते हो तो ही हो पाएगा, नहीं तो अगर कोऑर्डिनेटर के साथ आते हैं या फिर किसी कंपनी के साथ आते हैं तो आपको पहले से वो फिक्स रहेगा किसी होटल में, तो वो चीज़ आपको मिल नहीं पाएगी। तो ये रहा आज का day 5, और फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय। शाम को राणा जी से बड़ी भयंकर बहस हो गई। पहले भी कॉलेज में उनके साथ हो चुकी है ऐसी बातें, बट ये वाला तो कहीं उनमें स्टैंड ही नहीं करता। अब इस बकवास में सही कौन और गलत कौन। राणा जी ने फिर जीत तोड़ मेहनत की और हमारे कुछ कमाल के क्लिप्स निकाले। भाई हुनर है। स्टैचू के पीछे देख रहे हैं कि ये गौतम बुद्ध है। और आपका नाम? पानी 2020 से पैसे दिए।